प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतांग पहुंचे हैं, तस्वीरें आपके सामने, और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम शुरू होगा, रोहतांग में पहुंच चुके हैं, उनका गहरा लगाव रहा है, लेकिन आज का अवसर जो है वो बेहद खास है। बीआरओ के महानिदेशक जनरल हरपाल सिंह, रक्षा मंत्री का आगमन यहां कल ही हो चुका था, और अब वो ऐतिहासिक लम्हा जिसका देश और दुनिया को इंतजार था, प्रधानमंत्री अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, ये ऐतिहासिक अवसर है सारे देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रिबन काटकर विधिवत रूप से अटल टनल को, देश को, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद हैं, वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, बीआरओ से जुड़े हुए विशिष्ट अधिकारी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो स्वयं हर कार्य में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनकी दिलचस्पी रहती है, आज यहाँ पर खास तौर पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उपस्थित हुए हैं। ये इस बात को जाहिर करता है कि देश का सर्वोच्च नेतृत्व किस तन्मयता के साथ, किस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। 3 अक्टूबर 2020 का दिन, अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इन्होंने ये शुभ कार्य किया, और बीआरओ के महानिदेशक उन्हें अटल टनल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ में हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है, और ये टनल अपने आप में इतनी खास है कि हर कोई इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। हर छोटी से छोटी जानकारी भी अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। और यहाँ पर एक ग्रुप फोटोग्राफ जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, बीआरओ के महानिदेशक और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण जिसे हमेशा के लिए कैमरे में समेट लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सदैव जो भी मुश्किल परिस्थितियां होती हैं उसमें न केवल उन्होंने सर्वोच्च नेतृत्व के तौर पर हमेशा आगे रहकर काम किया है, बल्कि देश के इस दुर्गम इलाके में आज वो खुद पहुंचे हैं। कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियां हैं, न्यू नॉर्मल है, कोरोना महामारी की वजह से जो प्रोटोकॉल से उनका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। इस उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जानकारी दी जा रही है इस टनल के बारे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के द्वारा। और अब टनल के दूसरे छोर पर, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल को राष्ट्र को समर्पित किया है, वहां भी एक ग्रुप फोटोग्राफ, और इसमें प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रक्षा मंत्री और बीआरओ के कई विशिष्ट अधिकारी उपस्थित हैं। जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ होगा और जब इतनी बाधाएं आ रही थीं, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक अवसर ये भी होगा जब देश के प्रधानमंत्री, जो देश को उच्च शिखर की ओर ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं, वो यहां होंगे। और इस समय बीआरओ के महानिदेशक
उन्हें एक प्रदर्शनी दिखा रहे हैं और ये प्रदर्शनी वो है जहां अटल टनल के निर्माण की पूरी गाथा है। हर तस्वीर अपने आप में एक दस्तावेज है और ये सरी नाला के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह नाला से जब पानी का बहाव शुरू हुआ उस समय कई कई महीने तक एक एक मीटर की खुदाई भी नहीं होती थी। ये वो अवसर था, ये वो लम्हा था जब ऐसा लगता था कि टनल का निर्माण कार्य आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ये देखिए जो ये तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि पानी का बहाव इतना तेज था, उसमें कई तरीके से उसको रोकने के प्रयास किए गए। ऑस्ट्रेलिया से विशेषज्ञों को भी बुलाया गया, एक समय तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन बीआरओ की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। उन्होंने उस समय भी हार नहीं मानी और कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया। ये टनल के अंदर प्रदर्शनी का वो हिस्सा जहां अटल टनल से जुड़ी गाथा को बीआरओ के महानिदेशक इस समय माननीय प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से ये बताने का प्रयास हुआ है कि अटल टनल का जो निर्माण है उसमें कितनी बाधाएं आई हैं, कितनी मुश्किलें आई हैं, लेकिन मानव संकल्प और जिजीविषा ने उन पर हमेशा ही विजय पाई है और आज भी उस दिशा में एक नया अध्याय जुड़ा है। कई मरतबा सरी नाला जो कि एक फॉल्ट जोन है, अगर उस जियोलॉजिकल भूगर्भीय दृश्य से देखें उसे, तो वहाँ पर पानी का इतना तेज़ और ज़्यादा संख्या में मात्रा में आगमन होता था कि निर्माण कार्य मुश्किल हो जाता था। खुदाई के जो एक्सकेवेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो 5 मीटर प्रतिदिन की खुदाई निर्धारित की जाती थी, लेकिन कई बार ऐसी मुश्किल परिस्थितियां होती थी कि आधा मीटर प्रतिदिन ही खुदाई हो पाती थी। तापमान देश के इस क्षेत्र में मई जून के महीनों में 25 से 30 डिग्री रहता है और दिसंबर से जनवरी में -20 से -30 डिग्री तापमान होता है। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इस संरचना को मूर्त रूप दिया गया है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। पहली मरतबा जब ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ, सरी नाला की जो मुश्किलें थी उनको पार पाया गया। साउथ पोर्टल पर शुरुआत हुई, बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसके बावजूद हमारे इन जांबाजों ने हार नहीं मानी। नॉर्थ पोर्टल जो कि लेह की ओर जाने वाले रास्ते पर है, केलोंग जिस दिशा में आगे पड़ता है, वहाँ पर ज़्यादा मुश्किलें आती थीं, इसीलिए ज़्यादा कार्य जो हुआ वो साउथ पोर्टल जिसे हम कहते हैं दक्षिणी छोर जो मनाली की ओर का इलाका है, वहाँ पर ज़्यादा रफ्तार से काम हुआ। जो इसका उत्तरी सिरा है नॉर्थ पोर्टल, वहाँ पर जो बीआरओ का कार्यालय था जहाँ से ये पूरा ऑपरेशन संचालित होता था, एक समय वहाँ 7 से 8 मीटर की ऊँचाई तक बर्फ जम जाती थी। हालात बेहद मुश्किल थे, लेकिन उस समय भी काम रोका नहीं गया, क्योंकि एक सपना था और उस सपने को पाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे और तभी सपना साकार होता है। इस समय अटल टनल में मौजूद हैं माननीय प्रधानमंत्री और वो प्रदर्शनी देख रहे हैं। ये प्रदर्शनी अटल टनल के निर्माण की गाथा को समेटे हुए है, अलग अलग पड़ावों को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.